सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जंबो से हेवनली साइलेंस स्पीड पिल लेने के लिए सब लोग उसे फाइट कर रहे थे और एल्डर ने हेवनली साइलेंस स्पीड पिल के दो टुकड़े कर दिए थे। हाउ डू एक टुकड़ा लेकर वहां से चला जाता है और दूसरे टुकड़े के लिए एल्डर जंबो से फाइट करने लगे। अब हम देखते हैं कि एल्डर जंबो से फाइट करते हुए कहते हैं कि तुम इतने लोगों से कभी नहीं जीत पाओगे, इसीलिए मुझे हेवनली साइलेंस स्पीड पिल दे दो और मैं इन लोगों से तुम्हारी जान चलूंगा। तो जंबो कहता है कि तुम मरने वाले हो और ये सब बातें कर रहे हो। फिर दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। उनकी फाइट देखकर चेन सोचता है कि ये लोग तो इमोर्टल की तरह फाइट कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो ये मुझे जान से मार देंगे, इसीलिए मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा, और चेन वहाँ से चला जाता है। वही एल्डर और जंबो की फाइट देख कर यूजीओ जंबो की मदद करने के लिए जाने लगती है, मगर हाउ डू यूजीओ को रोक लेता है। हाउ यूजीओ को साइलेंस स्पीड पिल का एक टुकड़ा दिखाकर कहता है कि हमें पहले पिल के हिस्से को सेव रखना होगा। तो यूजीओ हाउ की बात मानकर जंबो की हेल्प करने के लिए नहीं जाती है। वहीं जंबो एल्डर से फाइट कर रहा था, जिसका फायदा उठाकर सब लोग जंबो पर हमला करने के लिए जाते हैं। एक आदमी अपनी किंग को पाम ट्रिक से जंबो पर अटैक करता है, तो दूसरा आदमी अपनी किंग शॉट ट्रिक से हमला करता है। ये देखकर एल्डर जंबो से दूर हो जाते हैं और दूसरे लोग भी जंबो पर अटैक करने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए जंबो अपने पावर को एक्टिवेट करके अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है, जिसकी फोर्स से सब लोग दूर चले जाते हैं। ये देखकर एल्डर सबको एक साथ अटैक करने के लिए कहते हैं, तो सब एक साथ मिलकर लगातार जंबो की शील्ड पर अटैक करते रहते हैं, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और जंबो दूर जंगल में जाकर गिरता है। उस ब्लास्ट की वजह से जंबो को काफी चोट आ गई थी, जिसका फायदा उठाकर सब लोग जंबो पर अटैक करने के लिए जाते हैं। उन्हें आता देख जंबो अपने शॉट को बाहर निकाल कर उन लोगों से फाइट करने लगता है और जंबो अकेला ही उन लोगों को संभाल लेता है। तभी एल्डर जंबो पर हमला करके उसके पीछे एक फॉर्मेशन ट्रिक से ब्लास्ट करते हैं, जिससे बुरी तरह घायल होकर जंबो नीचे गिर जाता है और उसकी शॉट भी नीचे गिर जाती है। तो सब लोग साथ मिलकर जंबो पर अटैक करने के लिए आते हैं। तो जंबो हेवनली साइलेंस स्पीड पिल का बॉक्स हवा में फेंक देता है, तो एक आदमी उस बॉक्स को पकड़ लेता है। तभी दूसरा आदमी आकर उस आदमी पर अटैक करता है, तो आदमी कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो दूसरा आदमी कहता है कि हेवनली साइलेंस स्पीड पिल एक ही है, इसीलिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, और उसे मारकर पिल का बॉक्स ले लेता है। ये देखकर दो आदमी साथ मिलकर बॉक्स लेने वाले आदमी पर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी एल्डर उस आदमी को मारकर पिल का बॉक्स ले लेते हैं। फिर एल्डर खुश होकर बॉक्स को खोलकर देखते हैं, मगर उसमें हेवनली साइलेंस स्पीड पिल नहीं थी, जिससे एल्डर काफी गुस्सा होते हैं और सब लोग जंबो को घेर लेते हैं। तो जंबो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने के लिए एक्टिवेट करता है। ये देखकर एल्डर कहते हैं कि ये तो जून तियंत स्टेज का एक्सप्लोजन है, जिससे डरकर एल्डर वहाँ से भागने लगते हैं और उनके साथ सब लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी जंबो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एल्डर के साथ सारे लोग उस ब्लास्ट की वजह से मर जाते हैं। वहीं चेन को भी ब्लास्ट के बारे में पता चल गया था, इसीलिए चेन अपनी ट्रू फायर पावर से सेवेज बॉडी रिफाइनमेंट ट्री एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से चेन को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो मलबे के नीचे दब जाता है। फिर चेन मलबे से निकलकर वहाँ से आगे बढ़ता है। वहीं यूजीओ और हुओडू इस ब्लास्ट को देखकर जंबो को ढूंढने के लिए जाते हैं। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि जंबो के आसपास के पेड़ पूरी तरह जल गए। वहीं आगे जाकर चेन को कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती है, जिनके पास अपने सामान की थैलियां थी। उन्हें देखकर चेन खुश होकर सोचता है कि चू कंट्री के रूल्स के हिसाब से मरे हुए कल्टीवेटर की चीजें फ्री होती है और उन्हें कोई भी ले सकता है। फिर चेन उन सब लोगों की थैलियां लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर चेन जंबो की शॉट से टकराकर नीचे गिर जाता है। तो चेन शॉट को निकालकर सोचता है कि यह बहुत पावरफुल शॉट है, क्योंकि इतने खतरनाक ब्लास्ट से भी यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तभी चेन को किसी के आने की आवाज आती है, तो चेन शॉट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ तीन आदमी आते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। वही निंगशु एक जंगल से जा रही थी, तो तीनों आदमी निंगशु के पास आकर उसे कहते हैं कि सब लोग हेवनली साइलेंस स्पीड पिल के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन हम तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को बेचकर बहुत अमीर बन सकते हैं। ये कहकर वो तीनों आदमी निंगशु पर अटैक कर देते हैं। तो निंगशु अपनी पावर एक्टिवेट करके उनसे फाइट करने लगती है। तो एक आदमी निंगशु से कहता है कि तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगी, चाहे तुम्हारे पास स्पिरिचुअल बॉडी क्यों ना हो, क्योंकि तुम कुछ ही वक्त पहले जेंग यांग स्टेज पर पहुंची हो और तुम्हें उसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, लेकिन हम तीनों बहुत पहले से जेंग त्योंग स्टेज पर हैं, तो
तुम हमें कभी नहीं हरा पाओगी। मगर निंशु इसका कोई जवाब नहीं देती तो तीनों मिलकर निंशु पर अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए निंशु अपने मैजिक से आसपास एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेती है, जिसके चलते वो तीनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तो निंशु अपनी पावर एक्टिवेट करके उन्हें मारने के लिए जाती है तो एक आदमी पूछता है कि क्या ये वही पावर है जो स्पिरिचुअल बॉडी के पास होती है। मगर निंशु इस बात का कोई जवाब नहीं देती तो आदमी निंशु से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे मत मारो। तभी दूर से लूजी अपने फैन की मदद से उन तीनों आदमियों का गला काट कर उन्हें मार देता है। फिर लूजी निंशु से कहता है कि तुम्हें इन लोगों के लिए अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर निंशु लूजी की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। इससे गुस्सा होकर लूजी निंशु के सामने जाकर उसे रोकता है। यह देखकर निंशु गुस्सा होती है, इसके लिए लूजी माफी मांगता है। फिर भी निंशु उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। आगे जाकर निंशु को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि लूजी ने माफी मांगते वक्त निंशु को पॉइजन सूंघा दिया था। लूजी निंशु से कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी लड़कियां मुझे रिजेक्ट करे, भले ही तुम्हारे पास स्पिरिचुअल बॉडी है तुम भी मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो। तभी निंशु हवा में उड़कर लूजी पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। मगर उस अटैक से लूजी को कुछ नहीं होता। वहीं चैन को जंगल से जाते वक्त किसी की आवाज आती है तो चैन छिप जाता है। वहाँ निंशु आती है, उसे देखकर चैन सोचने लगता है कि निंशु यहाँ क्या कर रही है। लूजी के पॉइजन की वजह से निंशु की हालत काफी खराब थी। तभी वहाँ लूजी आकर कहता है कि तुम मुझसे डरकर क्यों भाग रही हो। लूजी को वहाँ देखकर चैन काफी गुस्सा होता है। फिर निंशु लूजी से कहती है कि तुमने धोखे से मुझे पॉइजन सूंघाया। यह कहकर निंशु अपनी सोर लेकर लूजी पर अटैक करती है, जिसे लूजी अपने फैन से रोककर जवाबी हमला करती है, जिससे निंशु दूर जाकर गिरती है। लूजी निंशु की तरफ बढ़ता है तो निंशु अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करके एक रिस्ट्रिक्टेड टेक्निक का यूज करने लगती है। ये देखकर चैन कहता है कि इस टेक्निक का यूज करने से निंशु की उम्र कम हो जाएगी। फिर निंशु अपनी स्नो आइस लोटल ट्रिक से लूजी पर अटैक करती है, जिससे लूजी आसानी से बचकर अपनी विंड होल्व ट्रिक से निंशु पर अटैक करता है, जिससे निंशु दूर जाती है। मगर निंशु फिर से लूजी पर अटैक करती है तो लूजी अपने फैन से एक शील्ड बनाकर उसके अटैक से बच जाता है। यह सब देखकर चैन सोचता है कि लूजी 2 महीनों के अंदर जेन यांग स्टेज पर पहुंच गया है। वहीं लूजी अपने फैन से निंशु पर अटैक करता है, जिससे निंशु काफी दूर जाकर गिरती है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तो लूजी कहता है कि क्या तुम अभी मुझसे लड़ना चाहती हो। यह कहकर लूजी अपने फैन से एक पावरफुल अटैक करता है। तभी चैन निंशु के सामने आकर उसका अटैक रोक देता है। यह देखकर निंशु और लूजी काफी हैरान होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।